आज 26-27 दिन से हमारे नौजवान साथी हमारे देश के गौरव खेल जगत में देश का प्रदेश समाज सब लोगों का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी इतनी पीड़ा में इस वेदना को लेके इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर जो न्याय उनके साथ हुआ है उसकी गुहार लगाने के बाद अब तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको सही मायने में मान सम्मान मिले उनकी बात को सुना जाए और न्याय उनको मिले। जब इस देश का नौजवान किसान और पहलवान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है हमारे साथी जो आज आपसे मिलने के लिए आए हैं हमारे कुछ विधायक महोदय हैं राजस्थान प्रदेश से आए हैं अपना समर्थन देने और इस बात को रेखांकित करने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय नौजवानों के साथ होता है। हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जो न्याय की गुहार हमारे वो खिलाड़ी लगा रहे हैं जिनको अखबार टेलीविजन में देखकर हमें हमारा फख्र होता है हमारा माथा ऊंचा होता है वो लोग अगर आज आंसू बहा रहे हैं दुखी हैं परेशान हैं उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको उस पर मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। 26 दिनों से हमारे देश के गौरव नौजवान खिलाड़ी अपनी पीड़ा को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। सब लोग इनका समर्थन करते हैं लेकिन जो न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए उसमें बेवजह विलंब हो रहा है। समझ से परे है कि विलंब क्यों हो रहा है और ये बात भी स्पष्ट है जब इस देश का नौजवान किसान और पहलवान दुखी है तो देश खुश नहीं रह सकता। देश के लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान साथी खिलाड़ी जो देश और दुनिया के पटन पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं उनकी पीड़ा उनकी वेदना को सुनना पड़ेगा। कानून में प्रावधान स्पष्ट है कानून के तहत कार्रवाई हो और हम इतना चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो दुख ये लोग झेल रहे हैं जो पीड़ा इनकी है जो वेदना इनकी है उनको सुनकर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। इतने लंबे समय से यहाँ पर देश की राजधानी में लोग धरने पर बैठे हैं इतने सारे लोग इनके रोज मिलने के आ रहे हैं समर्थन देने आ रहे हैं लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि अभी तक इनको पर्याप्त न्याय नहीं मिल पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस हो प्रशासन हो सरकार हो तुरंत प्रभावी कार्रवाई हो ताकि हमारे खिलाड़ी साथी संतुष्ट हो सके। मैं तो कहना चाहता हूं कि न्याय संगत अगर कार्रवाई हो रही है तो ये लोग यहाँ 26 दिन से क्यों बैठे हैं? अगर ये लोग संतुष्ट होते कार्रवाई से तो इतनी भीषण गर्मी में 27 दिन तक यहाँ पर उनको क्यों बैठना पड़ता? जो प्रार्थी है जो पीड़ित है जो कंप्लेनेंट है अगर वो न्याय की कार्रवाई से संतुष्ट होते तो यहाँ क्यों बैठे होते? इनकी बात को सुनना चाहिए। मातृशक्ति की बात होती है देश में और उसके बाद किस तरीके से 27 दिन बीत चुके और अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है सही ढंग से। मैं तो कहना चाहता हूँ इसमें किसी एक प्रांत की एक बिरादरी की एक जाति की धर्म की बात नहीं है। इन सब साथियों ने नौजवानों ने पहलवानी ने मेडल जीते देश के लिए वो देश का गौरव है।